प्रथम तहलका न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज फिर से पुरानी फॉर्म में नजर आए। अपने पुरानी फॉर्म में आते ही अनिल विज ने अम्बाला क्षेत्र में बचे हुए विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। अनिल विज ने आज 12 क्रॉस रोड के गुड़गुड़िया नाले पर बने पुल को 6 करोड़ की लागत से चौड़ा करने का शिलान्यास किया और इसके अलावा सड़क निर्माण में 5.5 करोड़ खर्च कर उसे भी चौड़ा करने का कार्य शुरू करवाया है। इसी के साथ ही अनिल विज रामपुर सरसेहड़ी में कम्युनिटी सेंटर, बोगांव में धर्मशाला, दिलीपगढ़ में कम्युनिटी सेंटर जैसे विकास कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं। देखिए, विकास का पहिया अम्बाला छावनी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बहुत तेजी से चल रहा है। करोड़ों अरबों रुपए के काम हमने यहाँ पर करवाए हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस कारण बहुत काम रुके रहे। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ है, कामों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। ये 12 क्रॉस रोड है, इसको 6 करोड़ रुपए की लागत से हम चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन आगे पुल आ जाता था जो कम चौड़ा था और उसको भी लोगों की मांग थी कि उसको भी चौड़ा किया जाए ताकि जैसी पीछे से सड़क आ रही है हूबहू वैसी सड़क जाकर स्टाफ रोड से मिल जाए। तो 5 करोड़ 16 लाख रुपए का ये पुल बनाया जा रहा है, इसमें नाला भी बनाया जाएगा, इसमें सड़क भी बनाई जाएगी और इसको बना के किया जाएगा। उसके अलावा भी आज रामपुर सरसेड़ी में भी एक कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, बो में भी एक धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं और दिलीपगढ़ में भी एक धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। काम इतने हैं, कामों की लाइन लगा दी मैंने। अनिल विज ने इस दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी फूक निकल गई हुई है, जिसकी अपनी फूक निकल गई वो दूसरों में क्या भरेगा। आप तो वो जीत नहीं सका, दूसरों को क्या जिताएगा। बापू बेटा दोनों हार गए, वो बड़े घमंड करते थे, दावा करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या करेंगे दूसरों को। देखिए, फारूक अब्दुल्ला रोज गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। जैसे गिरगिट थोड़ी थोड़ी देर बाद रंग बदलती है, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका। प्रथम तहलका न्यूज़।